कुंडला में प्रशासन के द्वारा शनिवार को सड़क किनारे लगे छोटे दुकानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, जिसे लेकर शनिवार को विधायक धर्मजीत अपने प्रतिनिधि मंडल और व्यापारियों के साथ कलेक्टर से मुलाकात करने की मांग के लिए पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने जवाब दिया कि कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कुंडा में प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। सड़क किनारे लगे छोटे दुकानों में तोड़फोड़ की गई, ये सभी दुकानें कब्जे की बताई जा रही हैं, जिस पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। वहाँ के नायब तहसीलदार महोदय ने बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना के अचानक उनको तोड़फोड़ करके सड़क पे ला दिया और उनके सामने में रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई, जबकि उनके वहाँ पर बने रह करके व्यापार करने से या रोजी रोटी चलाने से कोई बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा था, फिर भी उनको बिना कोई सूचना दिए तोड़ देना बहुत ही अमानवीय कृत्य है और हम सब उससे बहुत दुखी हैं। तो लोगों के समक्ष उनके रोजी रोटी की जब समस्या उत्पन्न हो गई तो मैं वहाँ गया था। अभी कुछ दिन पहले कुंडा ग्राम पंचायत के अंतर्गत सड़क किनारे जो अतिक्रमण किए गए थे उनको हटाने की कार्रवाई वहाँ पर तहसीलदार के द्वारा किया गया था। उनके व्यवस्थापन की मांग को लेकर उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हुए थे। क्या काम है? अब उसमें देखा जाएगा, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तो विधि संगत किया गया है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जहाँ तक व्यवस्थापन का सवाल है तो कितनी मांग जेन्युइन है ये देखा जाएगा, क्योंकि ये भी सूचना आई है कि पूर्व में ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे जिनको उनके परिवार वालों को पूर्व में एक बार व्यवस्थापन किया जा चुका है, उनके द्वारा जहाँ पे व्यवस्थापित जमीन है वहाँ पे किया गया था, फिर यहाँ पर भी खाली नहीं किया गया था, कुछ नया अतिक्रमण थे, तो मामले की पूरी मतलब कौन वास्तव में व्यवस्थापन के पात्र है या कौन व्यवस्थापन के पात्र नहीं है वो पूरी प्रकरण की परीक्षण करने के बाद ही